हरलाखी प्रखंड के बीआरसी भवन में प्रखंड स्तरीय टीएलएम मेला का आयोजन किया गया। मेले में शिक्षकों को शिक्षण अधिगम सामग्रियों के माध्यम से पठन पाठन कराने का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं कई शिक्षक व शिक्षिकाओं ने अपने द्वारा बनाकर लाए गए शिक्षण अधिगम सामग्रियों का भी प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी ने कहा कि इस मेले के माध्यम से विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले को जिला में भेजकर बेहतर करने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विद्यालयों में बेहतर शिक्षा और सुव्यवस्थित संचालन को लेकर लगातार सतत प्रयास किया जा रहा है, ताकि मेधावी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। मौके पर बीओ सुनील कुमार तिवारी के अलावे एचएम फूल कुमार ठाकुर, रमेश कुमार पांडे, रजनीश कुमार चौधरी, विनय कुमार दुर्गेश या बेचन बैठा, राकेश शुक्ला, गुरुशरण दास, सुमन किरण कुमारी, रीना सिंह, रिंकी कुमारी, सुधा सिंह, अब्दुल्ला, रंजना कुमारी, सुभद्रा कुमारी समेत अन्य शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहे। जल संरक्षण, वर्षा के जल का संरक्षण हम करते हैं, उसके बेनिफिट क्या है ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। एक रात में 12 बजे बनाते टाइम लगा, तो ये हाफ पार्टीशन में मैंने दिखाया है कि यहाँ पे संरक्षण हो रहा है। एक पाइप है जिसके थ्रू अर्थ में पानी जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक नल है जिसमें से पानी आ रहा है और पेड़ पौधे भी हरे भरे हैं, फूल वगैरह भी खिले हुए हैं, घास वास है। और दूसरी तरफ ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी तो मधुबनी तक भी मैंने देखा है कि पानी नहीं आता है सर, तो पहले शहरों में ही था, अभी गांवों में भी आ गया है कि हमारा अर्थ का वाटर लेवल कम हो गया। तो इस तरफ का ये हाल है कि सब कुछ सूखा पड़ा है, नल में से पानी वानी नहीं आ रहा है, बस यही है। हरे होकर वही ठीक ठीक वही ना सब। तो ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। जो ये टीएलएम मेला लगाया गया, इसके संदर्भ में बताएंगे। टीएलएम मेला जो है शिक्षकों के विकास के लिए, बच्चों को कैसे पढ़ाई में सहूलियत हो, इसके लिए स्वनिर्मित टीएलएम मेला का जो आयोजन किया गया, और इसमें जो चयनित होंगे उनको जो है जिला में अपना प्रदर्शनी लगाने के लिए हम लोग भेजेंगे। वो 8-10 विद्यालय से आए हुए हैं। सभी विद्यालयों को नहीं कहा गया था? सभी विद्यालयों को कहा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।